आजकल टीन में ना बहुत ज़्यादा यूथ में हो गया कि हम हमें डिप्रेशन है खुद से अपने आप को डिप्रेस डिक्लेयर कर देते हैं और फिर लोगों ने मशवरे दे रहे होते हैं कि नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो ठीक हो जाओगे और वो लोग जो पढ़ते भी हैं जो पक्के नमाजी होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारा नहीं जा रहा डिप्रेशन हम पता नहीं दूधों की तस्बियाँ करते रहे हैं सब कुछ भी नहीं ठीक हो रहा तो मुझे बताया डिप्रेशन वाकई हर दूसरे बंदे को इतना ईजिली हो जाता है या कोई फैशन बन गया है और यहाँ और अगर है भी तो वाकई कुरान पढ़ने से बस यहाँ ठीक हो जाता है बंदा डिप्रेशन सवाल ही गलत है मैं आपको सही तस्वीर उल्टी पकड़ी हुई सीधी कर देते हैं जरा तस्वीर को ठीक डिप्रेशन एक अल्लाह की नेमत है ओके okay? इसको एंजॉय करें खुदारा डिप्रेशन एक वाहिद अल्लाह की आवाज है आपको जिस्म के अंदर से आती है कि गलत ट्रैक पे चल रहे हो दुनिया कुछ और काम करी अल्लाह कुछ और चाह रहा था तुम्हारा जिस्म अंदर से आवाज दे रहा है इसको दूर ना भगाएं इसको इसको ट्रीट करें अपने आप को ट्रीट करें सॉरी इसको इसको ना ट्रीट करें अपने आप को ट्रीट करें डिप्रेशन वो आवाज है अल्लाह की जो तो अंदर से आती है कि मामला असल में कुछ और हैं और मैं कहीं और ही फंस गया और मैं कहीं और ही फंस गया हूं ठीक है सो so, कुरान की आयतें अरबी में पढ़ के नहीं तुम्हारी डिप्रेशन आपकी किसी की भी ठीक होनी उनको समझ के उसको अमल करने से ठीक होनी है और मैं फिर बता दूं अगर आप बड़े मकसद पे नहीं हैं तो अल्लाह करे आप डिप्रेस हो अल्लाह करे आप पेशेंट बने दस दस साल मरीज रहें ताकि आपको पता चले कि दुनिया में काम कोई और था ठीक है एक मुसलमान डिप्रेसिव तब होता है जब वो अल्लाह के काम नहीं कर रहा होता याद रखिएगा सुकून आ, काम ना करने में नहीं है सोए रहने में सुकून नहीं है सुकून सिर्फ अल्लाह के काम करने में ये ये असूल याद रखिएगा गैर मुस्लिम भी जब अल्लाह के काम कर रहे होते हैं तो सुकून में होते हैं ओके okay? so, ये, सो ये आप मेरी बात ना माने आप उठाए के स्टडीज दुनिया की चाहे मदर टेरेसा हो ईदी हो मैं दुनिया में किसी एक रेहड़ी वाले को भी पकड़े अगर वो अल्लाह के कामों में मशगूल है सुकून में है और अगर वो दुनिया के कामों में मशगूल है तो डिप्रेशन में बस ये असूल याद रखिएगा नहीं, पर वो जो आ, मुझे आते हैं ना वो उनका ये मसले नहीं होते कि हमने अल्लाह के काम करने हैं या हमें इस तरह आ, तो रहा, के ताकि वो तो फिर जिनको डिप्रेशन होता है वो तो अंधेरे में बैठे रहने और गाने सुनने और सैड सॉन्ग सुनने और जबरदस्ती खुद को सैड करवाना करें कर हाँ सिग्नलिंग बोलते हैं साइकोलॉजी में अपने आप को खुद ही फिल्म का हीरो बना के अपने आप को अपने आप को मजलूम साबित करके गवाह होते हैं ढूंढे देखने बीमारी मैंने ज्यादा देखी है देसी होतों में लोगों को बता रहे हैं देखा ना मेरे पे मेरा शोर कितना जुल्म करते है मेरा बाप कितना जुल्म करते है अपने मतलब ये कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें ये वाली लड़की हीरोइन है कि जिसके ऊपर सारे के सारे जुल्म डालते हैं और वो इस बात पे हीरोइन है सब आके उसको मार देते हैं ये कौन सी फिल्म है ये फिल्म सुपर फ्लॉप है ठीक है ये ये सिर्फ आपके बॉक्स ऑफिस दुनिया में किसी आप किसी आप आप और पे ये फिल्म अप्लाई करेंगे तो आप करेंगे यार क्यों हर वक्त की अपीलें तो करती रहती है तू तो फिल्म तो हीरो नहीं है कोई हीरो आके बचाएगा तुझे तो कहीं से भी इस वजह से हीरो गिफ्ट लास्ट पॉडकास्ट में ना आपने कहा था कि टेंपल ऑफ सुलेमान अलैहि सलाम ने बनाया था तो वो इतने मुझे मैसेजेस आए उसके और कि भई वो तो जिन्नात ने बनाया था ये क्या बात कर दी अच्छा तो क्या क्या करूं मैं <laughs> आप बताएं कि ये कहां से कहां से आया ये आप बताएं कहां से आया कि जिन्नात ने बनाया सर्कस जिन्नात ने ये कुरान में नहीं अच्छा क्या बात है टेंपल ऑफ सुलेमान ग्लास कोनेबाग में नहीं वो सर्कस जिन्नात तो जिक्र है ना और मल्का सबा का तख्त लाना था तो अफरीत ने कहा था कुरान में ये है कि मैं सबा का तख्त उठा के ला देता इससे इतनी देर लगेगी जितनी देर में आप खड़े बैठे हैं तो खड़े हो जाए ये है जन्ना टेम्पल ऑफ सलमान जो था उसके ऊपर बड़ी बड़ी लंबी तफसील लिखी गई हुई है और तजाल ने बनाया नहीं बनाया ये तो अल्लाह को पता है मगर उलमा ने उस बंदे के बारे में कहा है क्योंकि एक आदमी ने ये ठेका ले लिया था क्योंकि सलमान ने चैलेंज दिया था कि टेम्पल तो मैं बनवाऊंगा तुमसे जिससे वो वो बंदा बनाएगा या वो जिन बनाएगा या इंसान बनाएगा कि जो इस शर्त को पूरा करेगा कि टेम्पल बनाने की एक भी आवाज नहीं आई